इसकी चेन खुल गई भाई साहब, इसी बात का डर था और वही चीज होगी। ये देखो चेन खुल गई ना इसकी इतनी रात को। Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope so you all are doing absolutely good. तो अभी सुबह सुबह हो रही है और सुबह सुबह हम आए हैं पीर बाबा के मंदिर में, यहाँ पे मम्मी और मैं। तो मैं तो नहाया नहीं हूँ, लेकिन मम्मी नहा धो के पूरा यहाँ पे आज पूजा करेंगे। मेरा एक ड्रीम है गाइस कि जिस दिन मैं अच्छे से स्टैंड हो जाऊंगा ना, मैं यहाँ पे टाइल्स डलवाऊंगा नीचे। ये मैं मम्मी को भी गई थी बात, तो यहाँ पे नीचे पूरी मैं यहाँ पे टाइल्स डलवाऊंगा किसी दिन। तो गाइस अभी मैं और मम्मी करने लगे हैं बाहर बैठ के ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में है चाय और साथ में ब्रेड, तो हम दोनों यही खाएंगे आज बैठ के यहाँ पे। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा और उसके बाद मेरे को आज 2 बजे निकलना है यहाँ पे, क्योंकि 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा आज मेहंदी का फंक्शन है। तो दोनों जगह जाना पड़ेगा, दो दो लोकेशंस पे, जहाँ पे एक कल गया था और जहाँ पे उससे पहले गया था नया की फंडवरी पे, दोनों जगह मेरे को अटेंड करना पड़ेगा और उसके बाद कल शादी है। तो अभी मम्मी यहाँ पे बैठे हैं और मम्मी को यहाँ पे व्लॉग दिखा रहा हूँ आज मैं लैपटॉप में, अपना फर्स्ट टाइम लैपटॉप में देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे। कैसा महसूस हो रहा आपको? अच्छा महसूस हो रहा। इसमें मजा आता देखने का ना भाई साहब? खेत कितना मस्त लग रहा है, ये हमारे वाला खेत। इसमें देखना ये पेड़ कटवाए थे ना, वो हो गया बड़ा, वो भी हो गए सारे के सारे हो गए। ये इसकी ग्रोथ नहीं हुई पेड़ की, आगे वाला तो सूख ही गया। इसकी भी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई, इनकी होगी ग्रोथ ऊपर वालों की, इसकी भी होगी ऑलमोस्ट। तो एक्चुअली मैं आया था खेत में इस वजह से क्योंकि ये जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, जैसे ये हो गया वो हो गया, ये घास होता है गाय के खाने के लिए, तो सर्दियों में यही डालते हैं गाय को और बीच में भूसा वगैरह मिक्स करके। तो पापा ने देखना ये परसों का कटवाया हुआ है ना, पापा खुद तो चढ़ते नहीं पेड़ पर, तो कटवाया हुआ है ये किसी से परसों का और अभी तक लेके नहीं गए घर पे। ये सूख भी गया पत्ते, इसके कलर देखना कैसे हो गया, ये वाले पत्तों में ग्रीन में और इसमें देखना कितना फ़र्क रह गया है, ये पूरे मुरझा गए, सूख गया हुआ सारा का सारा। क्योंकि पापा भी परसों से बिजी हैं अपने काम पे और मैं तो आपको पता ही है आप मेरी लगी हुई है भाग दो, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं दोपहर को जाऊँगा तो पापा मेरे को कहते हैं कि ये ले आना सारा उठा के, तो अभी फिलहाल इसको मैं घर पर ले जाऊँगा, तो रात को डाल देंगे गाय को, गाय तो खाई लेगी इसको, तो रात को डाल देंगे या अभी दोपहर को ही डाल दूँगा मैं, जैसे कहेंगे वो। इसको पहले मैं एक सीरीज में रखूंगा ना ऐसे करके, उठा के ले जाऊंगा सारा। और अभी एक चीज़ और होती है, जैसे ये देखो ये लकड़ी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अननेसेसरी है, मतलब ये पूरी लकड़ी अननेसेसरी है सेंटर वाली, इसका कोई मतलब नहीं है, बाहर बढ़ता है, तो इससे बेटर होता है कि इसको निकाल लो इस साइड की, ये तोड़ के ये घास घास निकाल लो, बीच की लकड़ी यहीं पर फेंक दो। अभी मेरे पास वो काटने वाला औजार नहीं है, अगर उस अदरवाइज उससे काटता मैं तो इस लकड़ी का पूरा घास निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया है। ऐसी ऐसी देखो कितनी लकड़ी होंगी, कितना बाहर मेरे को एक्सेस में उठाना पड़ेगा, जैसे ये अभी ये सारी की सारी एक्स्ट्रा लकड़ी है क्योंकि घास तो ऊपर ऊपर लगा होता है, तो चलो क्या करना अब। तो गैस ये घास रख दिया मैंने यहाँ पे सारा का सारा, पता नहीं एक बार में उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, चलो कोशिश करते हैं। तो गाइज ये उठाया हुआ है, इतना ज़्यादा भारी नहीं है क्योंकि पत्ते सूख गए, आप सभी को पता है मैंने कहा था कि 2-3 दिन पुराना है, तो उस वजह से पत्ते सूख गए, तो इजीली घर पे पहुंच ही जाएगा ये, वैसे पहुंच ही गया घर में ऑलमोस्ट। तो गाइज दोपहर के 2:20 हो रहे हैं और अभी मैं जाने लगा हूँ शूट करने के लिए गंगत में। हमारे गाँव में भी 2 शादियाँ थी, 2 शादियाँ हैं कर ली हैं वो भी, तो धाम भी 2 जगह थी, तो एक जगह मैं खाया और आई थिंक वहाँ पर भी होगी धाम, देख लेंगे शाम को भूख लगेगी तो फिर वहीं से खाना करके आ जाऊँगा मैं। तो फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं और शायद जल्दी फ्री हो जाऊँ, पहले तो 8-9 बजे आ रहे थे, आज जल्दी हो जाऊँ शायद 5-6 बजे तक फ्री, तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। तो पहले तो गेट खोलेंगे अपन, ऊपर से तो खुला है, नीचे से खोलते हैं। मेरे को बड़ा गेट खोलना पड़ रहा है क्योंकि पीछे ये स्टैंड भी है ना, तो छोटे गेट से तो जाएगा नहीं, इसलिए बड़ा। तो चलो, तो अभी घर से मैं 5 किलोमीटर आ गया हूँ दूर, और मतलब ना बाइक चलाने में आज सुकून सा, मतलब ऐसे रिलीफ सा मिल रहा है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में ना, हवा चल रही है हल्की हल्की सी, मज़ा आ रहा है, मतलब कि हल्का हल्का स्लो स्लो ड्राइव कर रहा हूँ ना मैं, मज़ा आ रहा है। वैसे मैं बाइक स्लोली ड्राइव करता हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं करता, बट हाँ कभी इन केस बड़ी ज़्यादा इमरजेंसी हो तब भी 60 तक चल जाऊँगा, इससे अबव नहीं, क्योंकि ये बाइक है ही नहीं चलने लायक, पहली बात तो ये इतनी फास्ट है, मैं चलाता ही नहीं इसको, और दूसरी बात ये कि स्लो चलने का मज़ा आता है बाइक पर, तो मज़ा आ रहा है, मतलब हल्की हल्की सी वाइब, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस मुझे अब ज़रूरत है तो एक GoPro की ज़रूरत है, बाकी तो फिर मस्त ब्लॉगिंग हो जाया करेगी, पहाड़ों पर लेके चले जाया करेंगे। और ऐसे फ़ोन निकालना बार बार ना अनकंफर्टेबल सा रहता है, कभी निकाल लो फिर कई बार फ़ोन ऑफ होता है तो वो मोमेंट मिस हो जाता है,
GoPro से सही रहता है। तो मैं तो सोच रहा था कि जितने की लाइट ली है उतने का तो GoPro भी आ जाना था, जो नई लाइट ली है। पर लाइट भी ज़रूरी है यार, GoPro भी ज़रूरी है, लाइट भी ज़रूरी है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी चाहिए, गिम्बल वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हैं। चलो धीरे धीरे, अगर भगवान की कृपा रही तो सब कुछ लेते रहेंगे धीरे धीरे, और आप सबका प्यार रहा तो सब कुछ एक ना एक दिन लेंगे। तो चलो जी गाइस, अपनी लोकेशन पे भी पहुंच गए हैं, और आज मुझे एक घंटा लग गया यहाँ आते आते। तो फिलहाल अपन बाइक को लगाते हैं यहाँ पे अपने। तो अभी फिलहाल हमारी ब्राइड को यहाँ पे मेहंदी लग रही है। कितना टाइम लग जाएगा भैया? हाँ, एक घंटा लग जाएगा। वहाँ पे लकड़ी पे कपड़े डाले हैं सूखने के लिए, वहाँ सामने मेरे को लगा कोई इंसान है, कोई आंटी बैठी है भाई साहब, सर पे चुन्नी डाल के। मैं नीचे से हो गया एकदम सियोक सा, मैं ये कौन बैठा हुआ है? तो अभी वो कह रहे हैं एक घंटा लगेगा, 4:30 हो गए हैं, तो मतलब कि 6:30 तो यहीं हो जाएंगे। और दूसरी साइड मैंने पता करा तो वो कह रहे हैं हमारे वाले भी आ गए हुए हैं, तो मैं फंस गया। पर वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप आराम से आना। तो अभी छत पर आया हूँ मैं इनकी, और इनके आसपास का व्यू सही है, मस्त है यार पूरा। ये भी खाली खाली सर जंगल्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ खेतों के बीच में लेके चलूँगा, वहाँ करेंगे शूट, है ना, सही होगा। संतरे भी लगे हैं एक तो, वो भी तोड़ लेंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे लाइट सेट करने लगा हूँ मैं, और ये मेरा छोटा भाई हेल्प कर रहा है मेरा। आपका नाम क्या है? आपका नाम? मेरा नाम नक्श। नक्श के लक्ष्य एन, अच्छा नक्श क्रोच। तो कह रहा है मैं भी आपकी हेल्प करूँगा, तो ये मुझे यहाँ से सामान उठा के दिए जा रहे हैं। चल ठीक, कौन सी 4th क्लास में ना? तो गाइस अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं, और अभी मैं एक जगह से फ्री हुआ हूँ, अभी दूसरी लोकेशन पे जाना है। यहाँ पे मेहंदी लगते लगते 3-3.5 घंटे लग गए, तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलने लगा, उसके बाद दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। अभी मैं सोचा था कि 6 बजे घर पहुँच जाऊँगा, 6:15 की जगह हो गई, अभी 2 घंटे वहाँ लगे, 1.5 घंटा वहाँ तो लग गई है, बस फोटो खींचनी है। तो गाइस अभी फाइनली दूसरी लोकेशन पे पहुँच गए हम कल वाले घर पे। एक सेकंड रुक जाओ। तो ये यहाँ पे सेटअप भी लगा दिया मैंने, और यहाँ पे स्टेज, तो यहाँ पे बनाई हुई इन्होंने स्टेज मेहंदी की। तो ऊपर बैठोगे आप वहाँ पे? ऊपर बैठोगे तभी से, जैसे कल बैठे थे ना पांव पीछे करके। तो भाई शूट करके फ्री हो गए, अभी 8 बज रहे हैं रात के। तो ये ले है मेरे लिए यहाँ पे डिनर, तो खाना खाते हैं, ये सब्जी है, ये सब्जी है, रोटी है, तो ये खाते हैं, और उसके बाद फिर घर निकलते हैं। आज तो 8 ही बज रहे हैं, कल तो 9:30 गए थे, आज तो फिर भी 8 ही हैं, तो ये खा के घर निकल जाएंगे अपन। और एक बात कि ये जो जिनका मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकी बारात मतलब इनकी शादी मेरे गांव में हुई है, घर से 1.5 किलोमीटर दूर रख लो, मतलब अपने गांव में ही है। तो सोच लो मैं यहाँ पे शूट करने आया हूँ, वहाँ से आएगी कल बारात अपने गांव से और यहाँ पे। तो गाइस अभी टाइम पूरा एग्जैक्ट 8:30 हो रहे हैं, तो फिलहाल मैं निकलने लगा हूँ यहाँ से, देखते हैं कब तक घर पहुँचते हैं। तो बाकी भैया वगैरह आए थे ड्रॉप करने, चलो ठीक है, थैंक यू, ले जाओ। हाँ चलो मेरे साथ, सुबह आ जाएंगे। तो गाइस जिस बात का डर था वही होगी, इसकी चेन खुल गई भाई साहब, इसी बात का डर था और वही चीज़ होगी। ये देखो चेन खुल गई ना इसकी, इतनी रात को दिक्कत होगी, मेरे को लग भी रहा था रास्ते में आज बड़ी ज़्यादा साउंड करने लग पड़ा, ये खुल गई चेन भाई साहब। तो गाइस चेन तो इसकी मैंने चढ़ा दी है जैसे तैसे करके, ऐसे करके चेन तो चढ़ा दी मैंने पीछे करके बचपन वाले स्टाइल से, और हाथ भी देखना पूरे काले कर लिए मैंने। पर अब दिक्कत ये है कि अब ये चेन खुलती रही, अब पता नहीं आगे जाकर खुल जाएगी, चढ़ाई पे दिक्कत आएगी, बस बार बार खुलती रहेगी ये यार। तो गाइस अभी मैं बाइक ऐसे पैदल लेके जा रहा हूँ क्योंकि प्लेन रास्ता है, एटलीस्ट 7-8 बार मैं चेन चढ़ा चुका हूँ, लेकिन जरा सा चल रहा हूँ, जरा सा अभी क्या थोड़ा सा मतलब एक आधा मीटर चल रहा हूँ फिर खुल जा रही है, तो ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। अभी फ्रेंड को बुलाया मैं, तो अपनी बाइक लेके आया, इसको हम रास्ते में लगा देंगे कहीं सेफ जगह। और बाकी एक गाड़ी आई थी मेरे गाँव की, तो उसके उनको मैंने सामान दे दिया अपना कि सामान ले जाओ बैग वगैरह, वो कहते मेरे साथ चल पड़, तो मैंने कहा कि मैं बाइक सेफ जगह लगाऊंगा, ऐसे कहाँ यहाँ लगा दूंगा, तो फिलहाल ऐसे ही जा रहा हूँ मैं टहलता। तो ये भी एक स्यापा ही है, ऊपर से कल छाती में जाना है तो सुबह डलवानी पड़ेगी फटाफट से। चलो जी गाइस आगे फ्रेंड भी आ गया, चलाओ यार। तो चलो जी गाइस फिलहाल घर पे पहुँच चुके हैं, मेरे हाथ भी काले हो गए, बाइक भी मैंने लगा दी वहाँ पे रास्ते पे, जो मेरे भैया बाइक ठीक करते हैं ना मैकेनिक, तो उनका घर भी यहीं पास में, तो वहाँ पे लगा दी मैं बाइक। तो कह रहे मैं सुबह ले जाऊँ, मैं आप मेरी ले जाना सुबह, मैं आपकी लेके आ जाऊँगा, तो आप ठीक कर देना मेरे रहते हुए। तो फिलहाल पहले हाथ हूँ धोते हैं, इतने हाथ हो भाई साहब रिपेयर वालों के भी निकाले होते हैं, इतने मेरे हो गए 2 मिनट में, ये जाएगा भी निशान अब इजीली। तो गए अभी 10 बज रहे हैं, तो 8:30 निकला था, मैं सोचा था कि 9:15-9:30 तक पहुँच जाऊँगा आज घर, लेकिन भाई साहब रास्ते में जो हुआ है ना मेरे साथ, ये सही है भगवान का शुक्र है कि यहीं पे हुआ, अभी पास में ही, मतलब जब मैं मेरे को रह गए थे 7-8 किलोमीटर रह गए थे घर पहुँचने को, तब हुआ मेरे को आवाज़। पर नूरपुर में ही आ गई थी थोड़ी सी ना, टक की जोर से आवाज़ आई थी, मैं कहा अब चैन का होने वाला है काम,
क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने कहा था कि चेंज कराना, मेरे को टाइम ही मिल रहा था और बाइक चले जा रही थी। तो ये इंडियंस की आदत होती है मैक्सिमम की, इंडियंस चलो छोड़ो पर मेरी आदत है और बहुत लोगों की होती है, जब तक चले जा रही है चीज़ जब तक घिसती नहीं है ना पूरी तब तक यूज़ करते रहो। मेरा भी यही था कि जब तक टूटेगी नहीं या खुलेगी नहीं ना तब तक, मेरे को उन्होंने कहा था कि खुल जाएगी टूट जाएगी, तो फिर मैंने कहीं और पूछा, वो कहता है कि टूटेगी तो शायद ही पर खुल जाएगी। मैं कहा खुलने तो चढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अब लगे ना पता कि चेंज करवा ली थी। चलो ये था कि पास में है जैसे तैसे करके पहुँच गया, अगर वहीं पीछे हुई थी खराब तो फिर दिक्कत हो जानी थी। तो बाकी ये था अब लोग दो दो फंक्शन अटेंड करे वहाँ फिर वहाँ ऐसे ऐसे करके, और बाकी कल भी यही दो बुकिंग था मेरे पास, एक साइड तो मैं बंदे भेज दूंगा और दूसरी साइड खुद कर चला जाऊँगा, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं, तो वो देखता हूँ सुबह प्लान करता हूँ। तो बाकी इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।